मेरठ में एक यूनिसेक सैलून में सेक्स रैकेट चलाने का मामला सामने आया है। रविवार रात पुलिस ने सैलून में छापा मारा, जहां 9 युवतियों और 7 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। यह सैलून मसाज के नाम पर अवैध गतिविधियों को संचालित कर रहा था और यहां एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार मामला तब सामने आया जब एक बैंक कर्मी ने हनी ट्रैप का शिकार होने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। बैंक कर्मी ने पुलिस को बताया कि वह मसाज कराने के लिए इस सैलून में गया था और कुछ दिनों बाद उसे एक वीडियो क्लिप भेजकर ब्लैकमेल किया गया। आरोपी ने उससे पहले 2 लाख रुपए की मांग की, फिर 5 लाख रुपए की डिमांड की। परेशान होकर उसने एसएसपी से मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा। यह पूरा घटनाक्रम मेरठ के मंगल पांडे नगर स्थित द सीजर्स यूनिसेक्स फैमिली सैलून का है। 7 दिन पहले बैंक कर्मी ने इस मामले की लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने मुखबिर की मदद से यह पता लगाया कि सैलून में रविवार रात को विशेष गतिविधियां होती हैं और वहां पर आने जाने वालों का कुछ गड़बड़ था। पुलिस ने महिला थाने, मेडिकल थाना और HSTU की टीम के साथ इस सैलून पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान सैलून के संचालक और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि सैलून संचालिका मौके से फरार हो गई, जिसे 2 घंटे बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सैलून से कई आपत्तिजनक सामान और वीडियो क्लिप भी बरामद हुए हैं, जो साबित करते हैं कि यहां सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और अब अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही है।